तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 21 एंड देयर एलसीएम इज 221 टाइम्स द एचसीएफ। अगर 21 एचसीएफ है तो नंबर्स को कैसे अज्यूम करना है? नंबर्स को 21 के मल्टीपल में ही अज्यूम करेंगे, तो 21 ए हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 21 बी। अगर एचसीएफ 21 है इसका मतलब ए एंड बी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ए एंड बी का एचसीएफ क्या हो गया? 1। अच्छा ध्यान रहे, ए एंड बी ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ए कितना हो गया? 1। एलसीएम कितना दिया है? क्वेश्चन में बोला है कि 221 टाइम्स 21, तो 221 इंटू 21 हो गया। और हमें पता है कि नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है ना, वह क्या किसके इक्वल होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ के। अगर नंबर आपके पास दो ही है तो जो हमें पता है कि LCM एंड HCF का प्रोडक्ट, मतलब 221, यहाँ पे 21 लिखिए, 21 ए LCM हो गया, HCF हो गया, नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, मतलब 21 ए और 21 बी के बराबर। 21 21 गया गया, तो अभी अपने पास क्या बचा है कि ए बी का वैल्यू 221 होना चाहिए। अभी क्या करना होगा, इसका फैक्टर्स देखना पड़ेगा कि 221 का क्या क्या फैक्टर्स, वह ए एंड बी में डिवाइड करना पड़ेगा और हमें ए इंश्योर करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको कि ए एंड बी में कोई भी फैक्टर कॉमन ना आ जाए। तो देखिए किससे डिविजिबल है, 3 से तो है नहीं, 7 से 11 13 13 से डिविजिबल है। सो 221 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13 का 13 बचा 9, 13 91, तो 17 हो गया। तो ए बी इक्वल टू है 13 इंटू 17, तो अगर एक का वैल्यू 13 लेंगे तो दूसरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि एक का वैल्यू आप 221 ले ले तो दूसरा 1 हो जाएगा, ठीक है, यही पॉसिबिलिटी। क्वेश्चन में बोला है कि एक नंबर 200 एंड 300 के बीच में होना चाहिए। नंबर्स क्या क्या है? नंबर्स है कि 21 ए एंड 21 बी। तो 21 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 260, 273, और 17 को 21 से करेंगे तो 17 दूना 34, 340, 357, सो 357 एंड 273 है। ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि 200 एंड 300 के बीच में है, तो ए हो गया आपका सेकंड जो हो गया, यह है अदर नंबर। क्वेश्चन में क्या बोला है कि अदर नंबर के डिजिट का सम चाहिए, तो सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 7, 5, 12 एंड 3, 15, सही आंसर हो गया 15, तो यही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।